राम राम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। सुबह का 7:07 हो गया है। हमारे नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी फिलहाल हम प्लांट के अंदर हैं और दो गाड़ियां देखिए आई है, जो पहले से वो कांटा हो गया था वो खाली हो रही है। मशीन टाल लिया है माल को और खींच रहा है वहाँ गाड़ी लगाने के लिए। तो देखिए यही सब माल आता है यहाँ पर, यही सब पत्थर आता है। पहले तो माल बहुत भरा हुआ रहता था, लेकिन अभी माल कम है यहाँ पर। तो हम लोग देखिए अब लाते हैं गाड़ी, पूछने जा रहे हैं कि गाड़ी अपना लाएं लगाएं तो क्या बोलता है लोग। तो देखिए वो गाड़ियाँ खड़ी है, जा रहे हैं हम वहाँ पूछने के लिए। 10:22 हो गया है और हम लोग अनलोडिंग पॉइंट में गाड़ी ला चुके हैं और खड़ी किए हैं। और एक गाड़ी का लेबर लग गया खाली करने, उधर में माल खींच दिया मशीन से, दूसरा गाड़ी का खींचा है और खींचेगा शायद लोग, क्या करेगा पता नहीं, लेकिन नहीं खींच पाएगा, छोटा है बॉकेट। और हम लगा दिए हैं खींचने के लिए, तो कब आता है जेसीपी वाले बेचारे, तो खाली करेंगे भाई वो, उसके बाद हम भी लगाएंगे लेबर से। तो देखिए रात वाला रोटी और हम लोग का तड़का बच गया है, तो उसी को नाश्ता हम लोग करते हैं। चंदन बाबू नाश्ता किया जाए ना, भूख लगा है आपको? नहीं हमको नहीं लगा। नहीं लगा है तो मन नहीं खाइएगा ना, तो हम खा लेते हैं कि हम खिला दें। लाइए आपको खिला देते हैं भाई, लीजिए। भिरी आइए, और आइए भिरी, आप हाथ काहे लटाइएगा, हम खिला देते हैं। बड़ा अच्छा तड़का बना था रात में। हेलो दोस्तों, 11:46 बज गया है और देखिए हमारा गाड़ी खाली हो रहा है, मशीन लग गया है, जैसे भी देखते हैं माल खींच रहे हैं, लेकिन जैसा डाला नहीं गिर रहा है, चेंजेस बढ़ गया है, इसका अनुसार थोड़ा सा टाइम लगेगा। और हम बोले पूछे कि भैया तो अपने को दिक्कत नहीं होगा, आराम आराम से जहाँ तक आता है वहाँ तक, तो खींच रहे हैं देखिए। और फिर उसके बाद लेबर खाली करेगा, जितना माल है खींचना सकेंगे ना उतना ये खाली करेंगे, बाकी खिड़की है बाएँ साइड में लेबर खाली कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वही भाई सब चला रहे हैं, ऑपरेटर है। देखिए यहाँ पर भट्टी चल रहा है, यहीं से माल तैयार होता है। और ये अपना गाड़ी है खाली हो रहा है, पापा वहाँ खड़ा होकर खाली करवा रहे हैं, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे खाली कर रहा है। और ऊपर में देखिए कन्वेयर बेल्ट से माल जा रहा है, उधर पत्थर रही पत्थर जो बड़ा है वो टुकड़ा होकर जा रहा है खड़ेसर से, ये पूरा कोयला है। और पापा अपना अनुसार से गाड़ी खाली करवा रहे हैं, क्योंकि पीछे से गाड़ी लग चुका है ना, तो इसीलिए थोड़ा संभल के खाली करवाना होगा, ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, तो यही खाली करवा रहे हैं पापा अपने हिसाब से। देखिए हेलो दोस्तों, दोपहर के 2:40 हो गया है और हमारा इधर सत्तू घुल चुका है, पापा प्याज काट रहे हैं और सत्तू बनाएंगे हम लोग, सत्तू घोर के पियेंगे, क्योंकि रात में जो रोटी बना था वही खाए हम लोग 10 बजे करीब में, तो अभी भूख लग गया तो सत्तू था तो सत्तू घोल ले रहे हैं। पापा प्याज ये सब काट दिए, इसमें मंगरेल जवाइन है और इसमें काला नमक है, इसमें नींबू का अचार है, इसमें है नमक। तो पापा सत्तू बना रहे हैं और भट्टी के सामने हमारा गाड़ी लगा हुआ है, बहुत ही गर्म है, तो इसे गाड़ी में गर्मी के कारण खाना भी नहीं बना सकते हैं, तो पूरा गर्मी से परेशान हो जाएंगे हम लोग, खाना नहीं बन पाएगा, इसीलिए सत्तू घोल कर पी रहे हैं। पापा भी सत्तू घोल दिए हैं और इसमें सब मसाला ये सब डालते हैं, उसके बाद पिया जाएगा। काफ़ी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और भट्टी है ना, इसी की वजह से हम बोले कि अब खाना नहीं बना सकते गाड़ी में ना, तो देखिए ना ये है जवाइन का पाउडर जो मिला दे रहे हैं बहुत। और प्लस यहाँ पर बगल में भट्टी है, उसे कचड़ा उड़ के डस्ट ये सब हमारा गाड़ी में आ रहा है, तो इधर का पूरा खिड़की चढ़ा दिए हैं, क्योंकि गाड़ी पूरा काला काला हो गया, देखिए इधर थाली में पूरा काला काला के बैठ गया है, इसीलिए डस्ट बहुत काफ़ी आ रहा है। पंखा भी चलाने पे गर्म हवा पूरा फेंक रहा है। अचार का रस भी डाल रहे हम लोग, नींबू जैसा टेस्ट आ जाएगा और नींबू बढ़िया रहता है गर्मी के टाइम के लिए। ये नींबू का अचार है, रसगुल्ला जैसा है, रसगुल्ला जैसा है एकदम प्योर। मेरा सत्तू घोरा के रेडी हो गया, देखिए गिलास में डाल रहे हैं और ऊपर से इसमें प्याज डालेंगे। लाइए
रेडी हो गया सत्तू। गर्मी का मौसम है, बहुत बढ़िया चीज़ है। रखते हैं गाड़ी में, देखिए डिब्बे में है। शाम को 5:15 बज गया, गाड़ी मेरा खाली हो गया, जा रहे हैं हम लोग। अभी कांटा कर रहे थे, थोड़ा गाड़ी में पानी मार देते पीछे में, एक दो बाल्टी मोटा गाड़ वोटा में सो में, उसके बाद कांटा वोटा कराते हैं। देखिए निकल रहे हैं, शाम को 6:30 बज गया दोस्तों, और गाड़ी का हम लोग सो भी धो लिए हैं बढ़िया से, मिट्टी उट्टी डस्ट जमा हुआ था, हवा चल रहा था, और गाड़ी भी मेरा खाली हो गया। एक जगह रिसविंग मिल गया, इसमें मेरा 130 किलो माल घट गया, ये पत्थर कोई पूछना नहीं है, बोलिए। और देखिए मेरा गाड़ी खाली हो गया है ना। अब चलते हैं रायपुर और काम कराते हैं। और जहाँ तक आप लोग कमेंट किए कि मेरा गाड़ी एक दिन कब हुआ था, तो हमारा गाड़ी हुआ था 12 तारीख को, ठीक ना, मार दिया पीछे से मार दिया था, गाड़ी वाले मार दिए थे, लेकिन वो लोग बेचारे सुरक्षित है, सही सलामत, मतलब बच गए हैं वो लोग, कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ वो लोग को, और हम लोग भी सही सलामत है, कोई लफड़ा नहीं हुआ हम लोग का। सूरज मेरा स्टेपनी गिर गया था टूट के, लेकिन हम ध्यान नहीं दिए थे वहाँ पे, लेकिन स्टेपनी लोग रखा था ना, तो अब 2000 रुपये दे के हम स्टेपनी लाए वहाँ से, क्या करें, मजबूरी था, अब वो जगह था तो देना ही पड़ेगा, स्टेपनी की कीमत ज़्यादा है टायर का भी। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग निकलते हैं बाहर। शाम को 7:30 बज चुका है, और ये चौक में हम रुके हुए हैं, और ये देखिए बाड़ा भाजी है, इसमें साग का डाला हुआ बना हुआ, और चंदन बाबू ये अपना चाउमीन खा रहे हैं, और इधर चटनी है, तो खाते हैं हम रख के इधर में, भाई के यहाँ सामने भाई छान रहे हैं ना, इसलिए इधर लाइए। पीछे में गाड़ी रोके थे तो हम बोले सब्जी की दुकान होगा, लेकिन वहाँ रेडी लगा हुआ था, चाय नाश्ता के था, इसलिए फिर वहाँ गए हम लोग, 12 खाए, आगे बढ़ गए, तो यहाँ देखे पेंड्री बाईपास जो नेशनल हाईवे के बगल में है, तो सब्जी दुकान दिखा, तो देखिए गोभी लिए हैं ये 10 रुपये पाव दिए, और प्याज दिए 30 रुपये किलो, और लेते हम लोग गाड़ी में आज बनाते हैं, हरा सब्जी बनेगा, गोभी और आलू बनाएंगे, गाड़ी में आलू रखा हुआ है, बहुत हरा सब्जी, भिंडी भी है। रात को 9 बज गया है, और देखिए पापड़ छान रहे चंदन बाबू, और हमारा चावल बन चुका है, और जो गोभी लिए थे ना हम लोग, बड़ा बढ़िया गोभी दिख रहा था, जब गोभी काटने लगे ना चंदन बाबू, तो उसमें से 3-4 को कीड़ा निकला, तो अपने को दिल से अंदर से आत्मा नहीं किया बनाने के लिए, इसलिए उसको हम लोग रख दिए, और उसको दे देंगे जानवर खा जाएगा। तिसौरी भुजा रहा है, देखिए डाल दिए चंदन बाबू, और पापड़ भुजा के निकल चुका है, फिर दाल बने हम लोग, अब मसूर का दाल बनाएंगे हम लोग, ये प्याज या लहसुन या मरचाई कट चुका है, डायरेक्ट फ्राई करके तड़का लगा के बैठा देंगे। देखिए जीरा डाल रहे हैं चंदन बाबू, उसके बाद डालेंगे प्याज मरचाई लहसुन, कढ़ाई में ही दाल बनेगा आज हम लोग का, मसूर दाल है, मसूर दाल गल जाएगा, टाइम नहीं लगता है, पानी थोड़ा बढ़िया होना चाहिए, देखिए चला रहे हैं। प्याज भुजा गया हमारा देखिए, और उसमें मसाला थोड़ा सा डाल रहे हैं, और मसूर दाल डालेंगे उसमें, लाइए मसूर दाल डालिए, हाँ नहीं जलाई मत, मजा होती है जा बाबू, ज्यादा लगेगा तो डालिए धीरे धीरे, शाम के इसको देखिए मसूर हम लोग फुला दिए हैं, इसको पकने में टाइम नहीं लगेगा, चलाइए अब उसको, चला लीजिए, भुजा जाएगा गल जाएगा बहुत बढ़िया। हेलो दोस्तों, रात्रि के 11:30 बज चुका है, और हम लोग का देखिए दाल भात पापड़ तिसौरी छना गया है, प्याज, और ये बोलिए तड़का,
ये हो गया, ये मसूर दाल का, ठीक ना। तो भोजन करते हम लोग, तो जय मानपूर्णा। खा पी के निकलना है ना? नहीं अभी कहाँ जाइएगा, आगे जाकर रुकना ही पड़ेगा, तो रायपुर चलना है तो चल चलिए। जय माँ, मच्छर काटेंगे रायपुर में, मच्छर लगेगा। तो भोजन करते हैं, टाइम हो गया काफ़ी। आज हम लोग सोचे चलिए, बड़ा टेस्टी बना हो। हम लोग खाना खा के निकल दिए दोस्तों, और सामने देखिए टोल प्लाजा है, गाड़ियां आ रही है जा रही है, आगे जाके दुरू पार करके हम लोग सोएंगे कहीं होटल में लगा के, बढ़िया सेफ जगह। हेलो दोस्तों, हम लोग कुम्हारी पहुंच गए हैं और पानी भर लिए फ्रिज का पीने के लिए, चार बोतल, गुरुद्वारा में बंद था तो पम्प में भर लिए। तो अभी हम लोग अब बस पहुँचे गए हैं, तो यहीं खड़े किए हैं, तो अब आराम करेंगे हम लोग। तो आज का ब्लॉग हम लोग समाप्त करते हैं, और कल नए ब्लॉग के साथ में आप लोग को मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।